वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो काफी शॉकिंग न्यूज है। एक ऐसा शॉकिंग न्यूज जो आप सुनकर खुद सरप्राइज हो जाएंगे। आप जरा सोचिए कि आपका एडमिशन ITI में हो रहा है और आपको डिग्री BTEC की मिल जाएगी। आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में होगा और आपको डिग्री मिल जाएगी MTEC की। आप डी फार्मा में एडमिशन लेंगे और आपको डिग्री मिलेगी MBBS की। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे ईमानदारी कहेंगे, फर्जीवाड़ा कहेंगे या धोखाधड़ी कहेंगे? ठीक इसी तरह का फर्जीवाड़ा भारत के कुछ स्टेट में चल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को चीट करने का काम कर रहे हैं। वो कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो उनका जो भी स्टडी ऑफ क्वालिटी है वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। यहाँ से बच्चे अगर कोर्स करके निकलते हैं इन कॉलेजों से, इन इंस्टीट्यूशन से, तो उनका करियर किस तरह से होगा आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्टूडेंट ने जब मुझे मैसेज किया कि सर मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। मैंने पूछा क्या स्कैम हुआ? उस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और लिखा कि मैंने एडमिशन लिया किसी कोर्स में और मुझे बोला गया, बाद में बोला गया कि नहीं आपको हम इंजीनियरिंग की डिग्री दे देंगे, हम आपको मैनेजमेंट की डिग्री दे देंगे, आप जो कहोगे उसी पैसे में हम आपको डिग्री दे देंगे। क्या ये फर्जीवाड़ा कहां तक जायज है? इसके चक्कर में आप फंस रहे हैं। और उन स्टेट का नाम, मैं उस कॉलेज का नाम तो नहीं ले सकता हूं, इट्स ए लीगल मैटर, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां आपको एडमिशन लेने से सावधान रहना चाहिए। जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो दिल्ली की बात करूं, इन स्टेट में इनका इस तरह का रैकेट है। ये चारों तरफ अपनी एक रैकेट बना चुका है, चुके हैं ये लोग, और बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसमें ज्यादा फंस कौन रहा है? टेक्निकल हैंड के बच्चे फंस रहे हैं, जो 10+2 के बाद से जो सेफ्टी का कोर्स करने जा रहे हैं। भाई 40-50 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप कह रहे हो कि किसी एक में एडमिशन ले लो आपको मैनेजमेंट लेवल की डिग्री मिल जाएगी। यानी बात तो यही हुआ कि हमें पांचवी तक पढ़ाई पढ़ना है और हमें जो है BSc की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे कॉलेज से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से डियर स्टूडेंट्स आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि SST इंस्टीट्यूट जो है केवल आपका एक जगह उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में इसका मुख्यालय है, वहीं से गवर्न होता है। वर्कशॉप की ट्रेनिंग जो है अलग अलग जिलों में होती है, लेकिन मेन जो भी ब्रांच है वो आपके देवरिया जनपद में स्थित है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको SST के नाम से बताता है तो सीधे आप SST कॉलेज में आप कॉल करें, मैसेज करें। बहुत से ऐसे लोग ये हैं जो ये कहते हैं कि SST से हमारा एफिलिएशन है, SST से हमारी फ्रेंचाइजी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। SST ने किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दिया है, SST ने किसी को एफिलिएट नहीं किया है। तो इस बात को आप जरूर समझिए, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत तेजी से चल रहा है। इस समय एडमिशन का समय है और काफी लोग धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। बेशक आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर सही बोल के काम करें तो शायद अच्छी बात होगी, लेकिन बच्चों के करियर के साथ खेलना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, SST इंस्टीट्यूट कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को कॉल करके ये नहीं कहता है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन कराने आइए, आप हमारे यहाँ ये ऑफर चल रहा है आप आइए। जो भी SST इंस्टीट्यूट की जो गजट होता है, ये SST इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर होता है या फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। दो ही चीजें हैं, आप समझ लीजिए, जो भी आपको वेबसाइट पे मिले या फिर वीडियो के माध्यम से मिले उसे ही आप भरोसा करें। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है उस पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपको चीट करेगा और धोखा करने के लिए वह तैयार है। बचना आपको है और फंसने से भी बचना आपको है, अन्य लोगों को भी फंसने से बचाना है। तो ऐसे स्कूल से, ऐसे कॉलेज से, ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूशन से आप जरूर सावधान रहें, जो एडमिशन किसी में भी ले लेंगे और डिग्री आपको किसी भी चीज की दे देंगे। तो ये खुद साबित करता है कि वह किस तरह का कॉलेज है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है। आप जरूर सावधान रहिए, अन्यथा आपके पैसे भी जाएंगे और फिर आपका समय भी बर्बाद होगा। दूसरी बात, अगर आपको कभी जानकारी हो भी जाती है और आप कहते हैं कि पैसा रिटर्न की बात आती है, तो वह कॉलेज आपको पैसा रिटर्न भी नहीं करेगा। शायद कोई भी यूनिवर्सिटी भी, कोई भी कॉलेज पैसा तो रिटर्न नहीं करेगी, पैसा आपका डूब जाता है।
परंतु एडमिशन लेने से पहले आपको जरूर सावधान रहना चाहिए, जहां इस तरह की बात होगी कि किसी में भी एडमिशन लो, हम डिग्री मैनेजमेंट का देंगे, हम डिग्री एडीआईएस का दे देंगे, हम डिग्री इंजीनियरिंग का दे देंगे, तो आप उस कॉलेज से दूरी बना लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ धोखाधड़ी होना लाजमी है और धोखाधड़ी आपके साथ होगा। आज कई स्टूडेंट्स इस तरह से फंस चुके हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उन्होंने जो गंवाया आप मत गंवाइए, आप कभी भी कम पैसे के लालच में मत फंसिए, कभी भी गारंटी के चक्कर में मत फंसिए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, चाहे आप प्राइवेट से सीखिए चाहे आप सरकारी से सीखिए, मकसद एक बनाइए कि हमें हर तरह से बेहतर सीखना है, ताकि लाखों लोगों को हम पीछे छोड़ सकें और अपनी इस जो कंपटीशन का जो दौड़ है उसमें पहली स्थान पर आप आ सको। तो आपका मकसद ये होना चाहिए, न कि मकसद होना चाहिए शॉर्टकट के तरीके, फर्जी डिग्री, फर्जी तरीके की गारंटी। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।